पहले ही डेट पे घर पे बुला दिया और हम चले भी आ गए। क्यूट, हाँ मैं भी क्यूट। थैंक यू जी। भाई साहब वो एप्पल वाला घर तो पुराना घर था उसका, ये देख लो महल, हेलो किटी का महल। क्या बात है, सारे ही जगह हेलो किटी, हेलो किटी जी। इनफैक्ट ये कार तो देख लो हेलो किटी की। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। स्वागत करता हूँ एक नए दिन में जापान में और एक नए एपिसोड में जापान सीरीज के। आज के दिन में हम कोबे को अलविदा कह के जा रहे हैं बगल वाले आइलैंड में, अवाजी आइलैंड, जो कि बहुत ही खास है बिकॉज वहाँ पे योगा से रिलेटेड स्टे है जहाँ पे हम आज रात रुकने वाले है। वहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क है जो कि नरूतो के ऊपर थीम बेस्ड है, मतलब एक फेमस एनिमे कैरेक्टर, एक फेमस एनिमे शोज, आपको पता ही है नरूतो। और साथ ही साथ उस आइलैंड में प्यारे प्यारे क्यूट से रेस्टोरेंट्स है जैसे कि हेलो किटी रेस्टोरेंट वगैरह। तो मतलब ये आइलैंड टूर बहुत खास होने वाला है जो आज और कल ये दो दिन हम कम्प्लीट करने वाले है। इस वक्त हम आ चुके हैं कोबे के सानोमिया, जो सानोमिया रेलवे स्टेशन है ना, जो पिछला वीडियो में आपने देखा ही होगा जब मैंने आपको कोबे का टूर कराया था। तो सानोमिया रेलवे स्टेशन जो कि मेरे हॉस्टल से महज 4 मिनट बाय वॉक है, उसी के बगल में है सानोमिया बस स्टेशन जहाँ से बसेस जाती है। मैंने बस की टिकट खरीद ली है यहाँ पे ऑफिस से, जो कि मेरे को पड़ी है 780 येन, यानी कि इंडियन करेंसी में तकरीबन हो जाता है 450 रुपये के आसपास। जर्नी ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ से 40 मिनट बस लगाती है अवाजी आइलैंड के स्टेशन में पहुँचने के लिए। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं 40 मिनट ड्राइव कंप्लीट करके अवाजी आइलैंड, जहाँ पे बस से उतरते ही हमको पिकअप किया गया। अब पिकअप किसने किया जी, यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ने, जिन्होंने मुझे काफ़ी टाइम पहले मेल किया था कि जब भी आप जापान दोबारा आओ तो कृपया करके हमारे अवाजी आइलैंड को 2 दिन एक्सप्लोर जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा, सच कह रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब भी जापान आऊँगा तब आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, और संजोग से जापान ट्रिप दोबारा बन गया तो जिसके कारण मैंने इनको कॉन्टैक्ट कर लिया और आ गए हम दोबारा, है ना। और देख लो ये जो खास जगह है ना, इस वक्त हम आ चुके हैं हेलो किटी के लोकेशन में। जी लड़कियों को तो पता ही होगा हेलो किटी, बहुत क्यूट सा कार्टून, बहुत क्यूट सा एनिमे, है ना। बॉयज लोगों को इतना नहीं पता है, मुझे भी इतना नहीं पता है, बट हाँ मेरे को पता है कि हेलो किटी बहुत क्यूट होती है, उसकी एक गाड़ी है जी, और हमारा लगेज गाड़ी में तो है। अजी ये गाड़ी में नहीं जी, जो गाड़ी हमें पिकअप लेने आई थी ना, बस उसी गाड़ी में टेक दिया है ताकि के इस लोकेशन पर आए, इस लोकेशन में हेलो किटी का शो देखे और मस्त वीगन वीगन खाना खाए। बिकॉज ये लोकेशन इसलिए खास है कि हेलो किटी के शोज देखते देखते आप वीगन डिशेज यहाँ के एंजॉय कर सकते हो। सूप, हाँ ये ले लो, थैंक यू। हाँ क्या बात है यार, मैंने इनको कहा था कि भाई वीगन है अच्छी बात है, बट मशरूम अवॉइड करना, किसी चीज़ में मशरूम होना नहीं चाहिए। इन्होंने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी मेनू में आज मशरूम नहीं है। और यहाँ पे देख लो मोहतरमा बैठी हुई है बीच में, क्यूट सी क्यूटी, आई मीन हेलो किटी जी। थैंक यू। इससे शानदार डेजर्ट किधर भी नहीं देखा यार, क्या कलर है यार, क्या रंग बिरंगा प्रेजेंटेशन है। शो शुरू हो गया है अभी, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है।
ओए पापा की परी आई, पापा की परी आई, दो दो पापा की परी आई। फुल वाइब है, फुल वाइब है। आप सच कह रहे हो, किटी से प्यार हो गया। मतलब इससे पहले कभी किटी को एज अ परफॉर्मेंस के तौर पे या फिर कार्टून के तौर पे देखा नहीं था, सिर्फ फोटोज वीडियोस ऐसे क्लिप्स वगैरह देखे थे, लेकिन आज सच में बहुत क्यूट सी है किटी। और सच कह रहे हो, जो डेजर्ट है ना काफी शानदार है, मतलब आधा खा लिया बहुत यमी है। हेलो किटी, प्यारी प्यारी किटी, कितनी प्यारी है ना किटी, क्यूट किटी। हाँ मे बी क्यूट, थैंक यू जी। मजा आ गया, दिल खुश हो गया। 11 से 1 ये 2 घंटे का शो रहता है अडल्ट का, इंक्लूडिंग वीगन लंच। कॉस्टिंग है 7000 येन, 7000 येन मतलब 4000 रुपया इंडियन करेंसी में, पकड़ के चलो। लेकिन सच में कह रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मजा जरूर आएगा। मतलब अगर किटी को आप जानते हो नहीं जानते हो, नो मैटर, मजा आएगा। सो भाई हेलो किटी से मुलाकात कर दी, उनके साथ नाचा गाया मजे किया है ना, अभी उसके घर पे जाने की बारी है। जी हाँ, ये एप्पल हाउस है ना, ये बेसिकली हेलो किटी का घर है जी, और अभी हम इसके अंदर जाने वाले है जी। चलो किटी देख लो जी, हेलो किटी इधर से भी दिखेगी आपको, जो अपन शो बॉक्स में गए थे ना, एंजॉय किया ना मस्त, इन्होंने ऊपर से भी हेलो किटी को बनाया है। वो हेलो किटी की गाड़ी, ये हेलो किटी का घर, और ये हेलो किटी का शो बॉक्स। पहली ही डेट पे घर पे बुला दिया और हम चले भी आ गए। हेलो किटी की बात कर रहा हूँ, मतलब हेलो किटी ने पहली दफा हमसे मुलाकात करी, हमारे साथ नाचा गाया सब एंजॉय किया, और फिर घर पे बुला दिया और हम चले भी आ गए, छत पे भी चढ़ गए जी। बाकी क्या जोरदार सीनरी है ना, मतलब पहाड़ है, खेत है, समंदर है, पुराने घर है, और हेलो किटी है जी प्यारी सी। ऐसा वो एप्पल वाला घर तो पुराना घर था उसका, ये देख लो महल, हेलो किटी का महल, क्या बात है, सारे ही जगह हेलो किटी जी। इनफैक्ट ये कार तो देख लो हेलो किटी की। तो भाई हेलो किटी का एप्पल वाला घर देख लिया, अभी इसके पैलेस को देखने की बारी है जी। हम एंटर कर रहे हैं हेलो किटी के पैलेस में जी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी हेलो किटी है देखो। ये क्या है जी भाई, अच्छा जोरदार खिलौने। तो भाई साहब ये गेम है जहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटा सा पूल बनाया गया है पानी का, और उसमें छोटे छोटे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे कैरेक्टर है जी। तो ये गेम है, ये पेपर का वो है, क्या बोलते हैं, पेपर का नेट है, अगर ये एक बार टूट गया बस उसके बाद आप कुछ भी ले नहीं सकते। टूटने से पहले जो मर्जी जितना मर्जी आप ये कैरेक्टर अंदर डाल सकते हो, आप घर लेके जा सकते हो। तो भाई इतने मिल गए अपने को, या अपन बम्बई यानी कि घर लेके जा सकते हैं, और ये फट गया, ये फटने के बाद अभी खेल नहीं सकता, लेकिन जो भी बोल दो इतना भी मिल गया काफी है। मजा आ गया जी, हमने एक्सचेंज कर दिया, एक चीज डबल थी तो उसको रख के गाड़ी ले ली जी। वैसे ये गेम का कॉस्टिंग रहता है 500 येन यानी कि 300 रुपया, 300 रुपये में जो मर्जी अगर जब तक नेट ना टूटे आप ये सब कैरेक्टर्स लेके जा सकते हो जीत के। मजे की बात यह है कि यहाँ पे कोई चेक नहीं करता, मतलब एक ही मोहतरमा है जो इस चीज को चला रही है, कोई चेकिंग नहीं होती है कि भाई साहब कोई छुपके से तो नहीं ले रहा है, क्योंकि इतना ट्रस्ट होता है ना यहाँ पे। मेरे को जापान साउथ कोरिया की खास बात यही रखती है कि लोगों पे ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं हर कोई, मतलब यहाँ पे ऐसे चोरी चकाटी इतनी होती नहीं है, जिसके कारण ऑफकोर्स ट्रस्ट करते है। भाई साहब इधर भाव तो देख लो किटी के, आई मीन किटी के प्रोडक्ट के जी, 500,000 येन यानी कि 3 लाख रुपए का बैग है ये, और ये 44,000 येन मतलब 25,000 के ऊपर हो गया ये भी छोटा छोटा पर्स। अभी से ही मेरे को तो हेलो किटी की याद आने लग गई, सच कह रहा हूँ। एप्पल वाले घर में गया, उधर तो मिले नहीं, अभी ये घर में इस पैलेस में देखता हूँ मिल जाए मेरे को हेलो किटी। किटी मेरी, किटी मेरे को वापस मिल गई तू, अरे मेरी किटी मेरे को वापस मिल गई, बहुत याद किया तेरे को, बहुत याद किया तेरे को। एप्पल वाले घर पे भी गया, उधर भी तू मिली नहीं मेरे को, फिर तेरे इस पैलेस में आया, और पैलेस में मेरे को तू मिल गई दोबारा, ये।
ये देखो ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखता है, क्या बनाते हैं ना ये लोग, जोरदार बनाते हैं भाई जी। इस आइलैंड पे तो हेलो किटी की बसें भी चलती है, बताओ यार कितनी क्यूट लग रही है बस, है ना। तो भाई साहब हम एक दुकान में घुस गए हैं जो कि वीगन चॉकलेट की दुकान है। मतलब जितनी भी आप चॉकलेट देख रहे हो ना, इसको देख लो कि इसको देख लो, जी नहीं इसको नहीं जी, मतलब ये चॉकलेट्स को देख लो कि यहाँ पे देख लो, हर जगह चॉकलेट्स आपको वीगन दिखेगी। इसका मतलब अंडा तो छोड़ो, दूध भी नहीं है जी इस चॉकलेट में, क्या बात है भाई साहब। इतने सारे फ्लेवर्स विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव, विदाउट आर्टिफिशियल कलर्स, कैसे बना देते हैं यार, मजा आ जाता है देख के। और ये जो भी चॉकलेट है ना, ये हेल्थ बेनिफिटेड चॉकलेट है, मतलब केनकाओ का मतलब हेल्थ होता है, और आवाजी का स्पेशल चॉकलेट है ये सब। इनफैक्ट ये रहा बॉक्स, ओ माय गॉड सो लवली, ये देख लो सारी फ्लेवर के मैंने एक एक उठा लिया है। धन्यवाद है जो मुझे घुमा रहे फिरा रहे, मतलब वो वीडियो में आना नहीं चाहते इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ उनको, मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी करा रहे, थैंक यू सो मच। और बाकी दुकान ही नहीं जी, ये पूरा इलाका ही कितना प्यारा है। ये स्ट्रीट का नाम है लेडी बर्ड स्ट्रीट, आवाजी आइलैंड में इसे कहा जाता है लेडी बर्ड स्ट्रीट। और आप देख लो एकदम बोहेमियन स्टाइल, मतलब क्यूबन स्टाइल, मतलब वेस्ट इंडीज स्टाइल, मतलब पता नहीं, आप देख लो मतलब कितना प्यारा स्टाइल है। रंग बिरंगे घर है, मेरे को याद आ गई इटली के वेनिस में जब मैं एक गांव गया था ना, मुरानो बुरानो, और वो दुनिया का सबसे कलरफुल आइलैंड भी था, आपको पता ही है ना। बस वैसा ही कुछ फीलिंग इधर भी आ रही है इस लेडी बर्ड इलाके में आके। सो भाई साहब ये हम आ चुके हैं जैम्बो सैनी करके, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुदरत से बहुत ही मिलजुल के रहती है। आई मीन मेडिटेशन योगा इसका मेन मोटो है इस स्टे का। और यू वोंट बिलीव यहाँ पे एक रात का किराया कितना है पता है, 700 से 800 यूएस डॉलर। जी हाँ, अभी आप सोचो कि इतना महंगा क्यों है, तो इन्होंने जानबूझ के ऐसे रेट्स रखे हैं ताकि के इनको एलीट कस्टमर ही मिले। आज की रात तो हम इधर ही बिताने वाले हैं जहाँ पे खास चीजें इतनी सारी है कि क्या ही बताओ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो ये अपने को कार्ड पकड़ाते हैं वेलकम ड्रिंक टी के साथ, और ये भी टी बहुत स्पेशल है जो आपके गट को साफ कर देती है। बात करते हैं इनके शेड्यूल की, तो 4 बजे मतलब ठीक एक घंटे बाद ना, एक घंटे के लिए योगा मेडिटेशन होगा ऊपर के डेक में, फिर यू नो टी टाइम होगा, फिर डिनर होगा। अब डिनर की भी खास बात इधर ये है कि पूरा वीगन है, और वीगन से भी ऊपर है, मतलब वीगन से ऊपर क्या ही हो सकता है, नो ऑयल नो शुगर नो व्हीट, रिफाइंड फ्लोर तो दूर की बात, मतलब इतना ध्यान रखते हैं खाने पीने की चीजों में। सो इन द रूम्स देयर आर नो शावर, ओ समझ गया, इट्स ओके अंडरस्टूड। ये कॉन्सेप्ट ही उसके लिए है ना कि मतलब भाई रूम्स इस हिसाब से बस छोटे छोटे रूम्स है जिसमें कोई बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है, सब कॉमन वॉशरूम्स है। और बताओ कितना ले रहे एक रात का, 50,000 से 60,000 रुपया बताओ। ओए होए होए क्या खिड़की है, छोटे रूम्स है लेकिन जोरदार रूम्स है। किधर है एसी, किधर है ये क्या है भाई, अच्छा तेरी तो अमेजिंग व्यू, वेरी क्लोज टू नेचर, ओ वाओ भाई साहब मानना पड़ेगा, और चारों तरफ है, अरे वाह वाह वाह, गौतम बुद्ध की प्रतिमा है, और इस तरफ योगा मेडिटेशन करने के लिए सीट्स भी है उस हिसाब से। भाई साहब जगह तो कुछ अलग है, यूनिक और बढ़िया है, ये बात तो माननी पड़ेगी। आफ्टर द डिनर आई विल ज्वाइन फ्रॉम इंडिया, या फ्रॉम इंडिया मुंबई, मुंबई वेरी नाइस, क्या हीलिंग साउंड है ना, मजा आ जाता है सुन के। बेसिकली ये क्यों बजा रही है, इसलिए बजा रही है ताकि के निकलो बाहर, 4 बज चुके हैं और आओ ऊपर मेडिटेशन करने है। मस्त रूम में आराम कर रहा था, एक मोहतरमा ने खटखटाया, बोली कि आओ चाय पीने का टाइम हो गया। मतलब कौन सी चाय, बोलती है माचा, मतलब जापानीज की फेमस चाय है, ग्रीन कलर की होती है, माचा टी बेसिकली, उसको कुछ लोग ग्रीन कॉफी भी बोलते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी भी बोलते हैं, जो भी हो जी टेस्ट में आपको क्या ही बोलूं, मतलब बढ़िया है, हेल्थ के लिए बढ़िया है ये मेरे को पता है।
for good digestion. Yes. And it's like detoxing. Detoxing the body. Close to the nature. Every menu is very close to the nature. तो भाई साहब इधर जो भी खाना है सब फर्मेंटेड प्रोसेस से बनता है ताकि के डाइजेशन में आपकी मदद करे. राइस और वेजिटेबल से बनी हुई सुशी. भाई साहब ऐसा डिनर मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया है. मैं टेस्ट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन ओवरऑल मतलब बोल रहा हूँ. ये मैंने जैपनीज का आंबिल किया है ऐसे पकड़ के चलो. जो जैन होगा वो समझ गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. बेसिकली हमारे जैनिज्म में एक आंबिल उपवास जैसा होता है जिसमें दिन में एक ही बार खाना होता है और वो खाने में भी ना मसाला होता है, ना मिर्च होती है, ना नमक होता है, ना घी होता है, ना तेल होता है. समझ रहे हो, मतलब उबली हुई चीजें और वो भी लिमिटेशंस वाली चीजें होती है. बेसिकली आंबिल इसलिए होता है ताकि के आपके टेस्ट बड्स से आप दूर रहो. मतलब जितना आप चाव से मजे से खाते हो ना वो हेल्थ के लिए बेनिफिट भी नहीं देता है और यू नो लाइक उसमें पाप ज्यादा लगता है. जाए जो आप टेस्ट लेस खाते हो और वो शरीर के लिए अच्छा भी होता है, उबला हुआ खाना वगैरह. फॉर एन एग्जाम्पल करेला जो कि कड़वा होता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा होता है. शुगर मीठा होता है, टेस्टी होता है लेकिन शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है. तो वही बात है, मान के चलो आज मैंने जैपनीज लोगों का आंबिल किया है कि खाना मतलब वीगन खाना और उसमें भी ना तेल, ना फ्राइड कुछ चीज था, ना मसाले थे, ना नमक था, ना शुगर था. आप समझ रहे हो बात को. लेकिन हैट्स ऑफ टू देम, इतनी लिमिटेशंस होकर भी इन्होंने क्या बेहतरीन तरीके से प्लांट बेस्ड फूड बनाया, वो भी इतना सारा. एनीवेज ओवरऑल दिन काफी अच्छा रहा है, काफी सारा एंजॉयमेंट किया, स्पेशली हेलो किटी के साथ तो कुछ ज्यादा एंजॉय किया, मतलब दिल में बस गई हेलो किटी, है ना. और आज का दिन हम यहीं पे समाप्त करते हैं. मेडिटेशन वगैरह चल रहा है, मैं थोड़ा बहुत करके आया 5-1 मिनट. मतलब कैसा रहता है कि सीट्स भी उस हिसाब से है कि अगर आपको बैठने नहीं होता है तो आप वो सीट्स पे बैठ सकते हो मेडिटेशन वाला. कल सुबह वापस जल्दी उठ के थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लेंगे, उसके बाद तैयार होके यहाँ से निकल पड़ेंगे नरुतो बुरुतो निजिनो मोरी पार्क में, जो कि बहुत शानदार एडवेंचर पार्क का अनुभव होने वाला है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. आई होप यू ही आप बने रहोगे क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस तो और इंटरेस्टिंग मिलेगा ना. Love you all. Take care. Bye-bye.